नगर पालिका में हजारेश्वर मेले की बोली लगाई गई। मेले की बोली को लेकर ठेकेदारों और कर्मचारियों के बीच तीखे नोकझोंक हंगामा भी हुआ। हंगामे के बाद बोली दाताओं ने लिफाफे में बंद कर बोली लिख कर पेटी में डाली। बोली में 5 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया, जिसमें अधिकतम बोली 31 लाख रुपए लगाई गई। लेकिन आज यह निर्णय नहीं हुआ कि बोली किस ठेकेदार को हुई है। अभी सभी बोली दाताओं के दस्तावेजों की बारीकी से नगरपालिका द्वारा जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि मेले का ठेका किस ठेकेदार को हुआ है। साथ ही नगरपालिका CMO का यह भी कहना है कि पहले थोड़ा सा ठेकेदारों द्वारा हंगामा हुआ, लेकिन फिर बोली शांति से लगाई गई। अब सभी ठेकेदारों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच के बाद कल 2 बजे तक पता चल सकेगा कि किस बोली दत्ता को मेले का ठेका हुआ है। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की खास रिपोर्ट। किस बात को लेकर हंगामा? इसी बात को मतलब थोड़ा सा हुआ था कि हम लोगों को मतलब फॉर्म वगैरह ना आसानी से मिल पा रहे हैं। मैं खुद ही फिर TL मीटिंग के बाद आ गया था और सभी को आसानी से सभी को फॉर्म उपलब्ध करवाए गए। पूरी प्रक्रिया में मैं स्वयं उपस्थित रहा, पूरी पाकिस्तान के साथ बात किया गया। और रही बात उनके चयन की कि किसका टेंडर चयन किया जाएगा, तो कुल 5 टेंडर आए हुए हैं। पांचों टेंडर अभी फ़िलहाल पात्रता रखते हैं और 5 टेंडरों में अब उनके कागज़ों का, उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अगर उसमें कोई कमी पूर्ति होगी तो वो कागज़ मंगाया जाएगा और साथ ही साथ जो पात्र होगा, जो टेंडर डालने वाले व्यक्ति, उनको टेंडर इसका कल 2 बजे इसकी बैठक रखी गई है और सभी 5 बोलीदाताओं को यहाँ पर बुलाया गया है और उनके समक्ष ही उनकी पूरी पारदर्शिता, पूरे शासन के नियमानुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में